हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल विद ट्रेलिंग जीरोस। यहाँ पे एक आ जा रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है तो उसका जब हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने फैक्टोरियल 1 निकाला, तो फैक्टोरियल 1 का आंसर 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 का आंसर 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का आंसर 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का आंसर 24 होगा, फैक्टोरियल 5 का आंसर होगा 120। तो आप देख रहे हैं कि जब पहली बार फैक्टोरियल 5 आपने कंप्यूट किया है तो एक जीरो आ रहा है। इसके पहले किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में जीरो नहीं आ रहा था। फैक्टोरियल 6 जब आप करेंगे तो दिस विल बी 720, और जब आप फैक्टोरियल 7 करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, जब आप करते रहेंगे तो आपको जो नेक्स्ट जीरो आपको मिलेगा वो फैक्टोरियल 10 पे मिलेगा। मतलब कि फैक्टोरियल 10 जब आप फाइंड करेंगे तो जो जीरोज होंगे वो एक संख्या उसकी बढ़ जाएगी, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि हमें जीरो मिल रहा है? जीरो एक्चुअली मिलता है जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 आएगा तो एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए फैक्टोरियल 5 में हमें सबसे पहला जीरो मिला, या सबसे पहला 10 मिला, जिसको हमने जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो लास्ट में एक जीरो ऐड हो गया होगा। सिमिलरली जब हम फैक्टोरियल 10 कर रहे हैं तो पहले 5 है, और 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, उससे एक 10 तो मिल ही रहा है हमें। तो हमारे पास 10 और 10 है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। इसका मतलब कि लास्ट में 2 जीरोस हमारे ऐड हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो 10 है वो 5 का मल्टीपल है, जब आप इसमें किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी 5 होंगे और 2 होंगे तभी हमें 10 मिलेगा, या फिर लास्ट में एक जीरो ऐड होगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें फैक्टोरियल 5 कहा गया है, तो फैक्टोरियल 5 तक आपको आप अगर ये फाइंड कर लें कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, तो इस केस में केवल एक ही मल्टीपल है 5 का, वो 5 है। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें कितने मल्टीपल्स हैं 5 के, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमें अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि n5 = 1, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 5, और अगर नंबर ऑफ 2 के मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगे, 2 एंड 5। सो 2 और 5 हमारे पास, 2 और 5 के जो मल्टीपल हैं वो 2 और 1 है रेस्पेक्टिवली। तो हमें तो 0 तब मिलेगा जब 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि मिनिमम ऑफ n2 और n5 अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस केस में ये 1 वैल्यू, इसका मतलब है कि 1 0 होगा। सिमिलरली अगर हम 10 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 10 का फैक्टोरियल = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8। इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें 5 का एक मल्टीपल यहाँ मुझे मिला और 5 का एक मल्टीपल मुझे यहाँ पे मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n5 = 2, और 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा और एक 10 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 will be equals to 5। जब आप मिनिमम ऑफ 5 एंड 2 लेंगे, इसका मतलब क्या है कि n5 एंड n2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि 2 ट्रेलिंग जीरोस इसमें होंगे। अच्छा, हम एक काम ऐसा भी कर सकते थे कि जो फैक्टोरियल वैल्यू है उसको पूरा पूरा कंप्यूट कर लें, लेकिन जैसे ये बड़ी वैल्यूज होने लगेंगी, लॉन्ग वैल्यूज होने लगेंगी, तो रेंज को क्रॉस करने लगेगा ये हमारा फैक्टोरियल वैल्यू। इसीलिए हम जो है स्ट्रेटेजिक वे से नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर रहे हैं। चाहे 5 वाला केस था चाहे 10 वाला केस है, आप देख सकते हैं कि जो n5 की संख्या है वो हमेशा n2 से कम है, और n5 के कारण ही जीरो जनरेट होंगे ऐसा हम मान सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उसमें n2 मल्टीप्लाई होगा तभी जो है, या 2 के मल्टीपल मल्टीप्लाई होंगे तभी जीरो आएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो n5 की संख्या है वही जो है वो जीरो को दे रहा है, क्योंकि n2 की संख्या हमेशा n5 से ज्यादा होगी। नाउ अभी तक हमने ये जो हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं उस केस में हमें हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा कि कितने 2 के मल्टीपल्स हैं और कितने 5 के मल्टीपल हैं। इस काम को हम थोड़ा आसानी से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये पता करना है कि कितने 5 के मल्टीपल हैं, सो मान लीजिए कि नंबर हमारा 10 है, तो n5 will be equals to number n divided by 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से नंबर ऑफ 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर n डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे 5 मल्टीपल्स हैं जो कि 2 के हैं।
आप यहाँ पे सिंपली n5 का जो आंसर है वही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि n2 की संख्या हमेशा n5 से ज्यादा होगी। नाउ मान लीजिए कि आप जो फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो 25 का निकाल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो एक 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। तो यहाँ पे 5 मल्टीपल्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, सो n5 की संख्या 5 हो गई, तो आप आंसर 5 देंगे। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो 25 है उसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज 5 मल्टीप्लाइड विद 5। तो इन इनफैक्ट यहाँ पे जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो 6 हो गए राधर देन 5। तो इसको भी आपको इंश्योर करना है। तो हमने कैसे इंश्योर किया ये देख लीजिए कि n5 इज इक्वल्स टू नंबर n डिवाइड बाई 5। इस पर्टिकुलर केस में हमने कहा कि 25 डिवाइडेड बाई 5, और इसकी वैल्यू हो गई 5। फिर हमने n को रिड्यूस कर दिया, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। अब इसको एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं, और 5 को डिवाइड करने से एक और मिलेगा मुझे, और मैं इसको n5 में ऐड कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर मैं एक बार n को अपडेट करता हूँ, n इज इक्वल्स टू जो भी हमारा करंट वैल्यू आया है एंड दैट डिवाइड बाई 5, इससे ये 0 हो जाता है। तो 0 हो गया, तो अब हम अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर सकते हैं, और हम ये कहेंगे कि 6 मल्टीपल्स हैं 5 के। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया, और तभी हम इसको कोड कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 20 वाला केस लेते, तो यहाँ तो 5 के 4 ही मल्टीपल्स हैं। तो हमने कैसे किया कि एन इज इक्वल्स टू 20 और n5 इज इक्वल्स टू n/5, इट मीन्स दिस वैल्यू इज 4। एन को हमने फर्दर अपडेट किया, एन को कैसे अपडेट किया, n/5 से। सो दिस इज इक्वल्स टू 20/5, एन इज इक्वल्स टू 4। फिर इसके बाद n5 हमने दोबारा से अपडेट करने की कोशिश की, n5 की जो भी करंट वैल्यू है प्लस n/5, सो दिस वैल्यू विल बी 4/5, और इंटीजर बाय इंटीजर डिविजन से हमें 0 मिलेगा। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि n5 इज इक्वल्स टू n5 + 0, n5 की प्रीवियस वैल्यू 4 है, इसलिए n5 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। नाउ हम इस ऑपरेशन को तब तक कर रहे हैं जब तक कि n मेरा 0 ना हो जाए। सो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि n5 इज इक्वल्स टू n5 + n/5 एंड n इज इक्वल्स टू n/5। तो जब तक n 0 ना हो जाए तब तक हम इस ऑपरेशन को करेंगे, और n n5 को हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एट द लीट कोड। ये मेरा लीट कोड का विंडो है। सिंपली आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है n5, जिसको डिक्लेयर कर देंगे या इनिशलाइज कर देंगे 0 से। उसके बाद फिर जब तक मेरा नंबर n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम कहेंगे कि n इज इक्वल्स टू n n इज इक्वल्स टू n5 इज इक्वल्स टू n5 + n/5। इसके बाद फिर हम कह रहे हैं n इज इक्वल्स टू n/5, एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रिटर्न कर देंगे n5 की वैल्यू। मेरे पास एक ब्रैकेट कम है, उसको मैं ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। फाइन, सारे के सारे हमारे टेस्ट केसेस इसमें एक्सेप्ट हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक प्रॉब्लम लीट कोड पे सॉल्व कर ली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल अगेन मीट विद सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट।